फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आईक्लोन 7 में कैरेक्टर की जो मॉडिफिकेशन है उसके बारे में समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आईक्लोन 7 हम यहाँ से ओपन कर चुके हैं। अभी हम यहाँ से कोई एक कैरेक्टर अपने जो सेट है इस पर हम ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कैरेक्टर को यहाँ पर सेट पर ड्रैग कर लेंगे। तो ये हमारा कैरेक्टर यहाँ पर लोड हो रहा है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है आपको कैरेक्टर से रिलेटेड टोटली मॉडिफिकेशन के बारे में समझेंगे। कैरेक्टर को हम कैसे मॉडिफाई करते हैं, यानी जो मॉडिफिकेशन पैनल आपको दी गई है वो आप कैरेक्टर में कैसे इसको मॉडिफाई करते हैं, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात और क्लियर कर दें कि ये जो मॉडिफाई का पैनल है, ये हमारा इसमें जो टूल्स है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये टोटली चेंज होते रहते हैं। अभी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं क्रिएट, यहाँ से एक शेप बॉक्स ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ से बॉक्स। तो ये बॉक्स से रिलेटेड टोटली टूल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, यानी मॉडिफाई का टोटली टूल्स यहाँ पे बॉक्स से रिलेटेड शो हो रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कैरेक्टर को, ये कैरेक्टर से रिलेटेड टोटली मॉडिफाई टूल यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अभी यहाँ से जो कैरेक्टर है इसकी मॉडिफिकेशन यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट में आपको यहाँ पे मॉडिफाई में इसका एट्रीब्यूट मिल जाएगा, ये कैरेक्टर का क्या क्या एट्रीब्यूट होनी चाहिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसमें भी अलग अलग टैब्स बने हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये टोटली टैब्स हमारा दिया गया है। पहला हमारा अवतार का टैब्स है। तो अवतार में क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट में आपको अवतार मिलेगा और इसकी आपको यहाँ पर नेम दी गई है, यानी जो भी आप यहाँ पर कैरेक्टर बनाएंगे या फिर कैरेक्टर को यहाँ पर ड्रैग करेंगे उसकी नेम यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो रही है। आप चाहें तो नेम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट कैरेक्टर, तो ये हमारा नाम यहाँ से चेंज हो जाता है। आप चाहें तो आप देख सकते हैं ये हमारा नेम चेंज हो गया है। उसके बाद अगले ऑप्शन की बात करें तो अगले ऑप्शन में हमारा फूड कंटेंट है। फूड कंटेंट क्या होता है इसको हम चलिए समझते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये हमारा फूड कंटेंट, ये जो कैरेक्टर है, अगर हम इसको क्या करेंगे, एक कोई सरफेस ले लेते हैं, यहाँ से सरफेस दिया गया है और यहाँ से प्लेन ले लेते हैं, ये हमारा प्लेन सरफेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरेक्टर को फिर सिलेक्ट कर लेंगे और इस कैरेक्टर को अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे, तो ये देखिए ये टोटली इसका पैर जो है सरफेस के अंदर यहाँ पे चला जा रहा है, ठीक है, ये हमारा सरफेस पे यहाँ पे रुक नहीं रहा है। अगर इस ऑप्शन को हम ऑन कर देंगे फूड कॉन्टेंट को, तो ये देखिए ये हमारा सरफेस पे यहाँ पे रुक जाएगा और इसका पैर यहाँ से मुड़ जाता है। तो ये हमारा फूड कंटेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे सेम हैंड कंटेंट दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं। अगर हम जो कैरेक्टर है इसको यहाँ से रोटेट करते हैं, ये देखिए इसका जो हैंड है अंदर चला जा रहा है। अगर हम हैंड कंटेंट को क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, अब देखिए ये हमारा कैरेक्टर का हैंड यहाँ पर सरफेस पे ऐसे रुक जा रहा है। तो ये हमारा फूड कॉन्टेंट और यहाँ पर हैंड कंटेंट आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ब्लिंकिंग का ऑप्शन दिया है, नॉर्मल ब्लिंकिंग, नर्वस है, तो ये जो ब्लिंकिंग है ये हमारे एनिमेशन पे वर्क करता है, ठीक है, ये ब्लिंकिंग इसका आई ब्लिंकिंग का है, कैरेक्टर का आई ब्लिंकिंग है। आप यहाँ पे नॉर्मल दे सकते हैं, नर्वस है, चिल्ड है, यहाँ पे स्पीचलेस है, चार्मिंग है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं ऑटो ब्लिंक के लिए। जैसे अभी यहाँ से प्ले करेंगे, ये देखिए ये इसका कैरेक्टर का आई यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। अगर इसकी ब्लिंकिंग मोड हम चेंज करते हैं, ठीक है, अभी तो नॉर्मल यहाँ पे है, अगर हम इसको नर्वस कर देते हैं और यहाँ से प्ले करते हैं, ये देखिए ये डबल ब्लिंक हो रहा है, ये नर्वस यानी बार बार यहाँ ब्लिंक हो रहा है। तो इस तरह से आई की ब्लिंकिंग को यहाँ से सेट करते हैं, ऑटो ब्लिंक है, ठीक है, नर्वस है, उसके बाद नॉन है, स्पीचलेस है, चिल्ड है, चिल्ड करके देख लेते हैं एक बार, यहाँ से प्ले करते हैं, तो चिल्ड में क्या होगा कि बहुत जल्द ऐसे जो बच्चे की तरह है बार बार यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2-3 बार ऐसे करके ब्लिंक हो रहा है। तो आई ब्लिंकिंग का ऑप्शन ही आपको मिल जाता है। उसके बाद बॉडी का स्केल दिया है, आप चाहें तो बॉडी के साइज को बढ़ा सकते हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से हम कर लेते हैं 80%, तो बॉडी हमारा यहाँ पर छोटा हो जाता है।
डायरेक्ट आप यहां से स्केलिंग नहीं कर सकते, जो कि आप शॉर्टकट की मदद आर की मदद से अगर स्केलिंग करते हैं तो ये डायरेक्ट स्केलिंग यहां पे नहीं होता है। और यहां से डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि यहां से वैल्यू को इनपुट करेंगे, ये हमारा वैल्यू अगर इनपुट करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा करेक्टर का जो स्केलिंग है यहाँ पर हो जाते हैं। अब यहाँ पर 100 से ऊपर करके देखते हैं, जैसे 110 है, ये 110 भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ से 500 करते हैं, ये देखिए ये हमारा करेक्टर का स्केलिंग यहाँ पर 500 हो गया। जनरली इसको हम क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ये टोटली ऑप्शन हम समझ लिए अवतार में कि अवतार का नाम सेट कर सकते हैं, फूड कंटेंट क्या होता है, उसके बाद हैंड कंटेंट, हाइड इनर मेस है, यहाँ से इनर मेस को भी हम यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, ये ऑप्शन हम भूल गए थे। जो मेसिंग होती है आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें आपको पोज का ऑफसेट भी आपको मिलता है, पोज की ऑफसेट देख लेते हैं। अवतार में ही आपको पोज का ऑफसेट मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया विंडो मिलता है। विंडो में आप यहां से देख सकते हैं प्रीसेट दिया गया है और यहां पे बॉडी पार्ट्स दिया गया है। अब चलिए इसको देखते हैं। अभी जो करेंट पोज है ये हमारा टी पोज कहलाता है, ये टी पोज में हमारा कैरेक्टर यहां पे है। अगर हम प्रीसेट को चेंज करते हैं जैसे शोल्डर डाउन, तो आप देखेंगे कि कैरेक्टर का शोल्डर यहाँ पर हमारा डाउन हो जाता है। शोल्डर डाउन टू, यहाँ पर शोल्डर डाउन है, उसके बाद अप, शोल्डर अप है, उसके बाद एल्बो आउट, यहाँ से एल्बो आउट हुआ। ये हमारा टोटली पोज चेंज करने के लिए दिया गया है कैरेक्टर का, तो यहाँ पे डिफॉल्ट रहने देते हैं। और बॉडी के पार्ट्स दिया गया है, ठीक है, आप बॉडी के पार्ट्स को भी आप ऑफसेट दे सकते हैं, पोज दे सकते हैं। तो नेक के लिए है, हेड के लिए है, अपर टर्सो है, यानी टोटली बॉडी के पार्ट्स है। और आप यहाँ पर डमी जो कैरेक्टर देख रहे हैं डायरेक्ट इस पर भी क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ से बॉडी के पार्ट्स को भी यहाँ पे सिलेक्ट करके आप जो है पार्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑफसेट देख सकते हैं। चलिए इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लिए हैं और इसको फॉरवर्ड, जैसे अभी हम यहाँ पे जो है यहाँ पे राइट शोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, और यहाँ पर आपको मिरर का ऑप्शन आता है। मिरर में क्या होता है कि राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी आप देखेंगे ये हमारा डमी कैरेक्टर में आपको यहाँ पे ग्रीन का नज़र आएगा। अभी आप देख लेते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके देख लेते हैं, ये देखिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रहा है। तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा सिंगल है, अगर मिरर कर देंगे और इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड करेंगे तो दोनों एक साथ होगा। आप सेम इस तरह ट्विस्ट भी करा सकते हैं, आप चाहें तो साइड टू साइड करा सकते हैं। तो ये टोटली चीज़ें आपको दी गई हैं, बॉडी के जो पार्ट्स है आपको यहाँ पर दी गई हैं, आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की। ये तो टोटली चीज है, आप समझ चुके हैं। आप चाहें तो फॉरवर्ड कर सकते हैं हेड को भी, तो टोटली बॉडी का पार्ट से आप प्रैक्टिकली करके देखें सिस्टम पे, टोटली आप एक एक चीज करके यहाँ पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एनिमेशन बनाने से पहले आपको ये सब टूल्स की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है कि पोज अपसेट क्या होता है, कोलिशन स्टेप क्या होता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। आइक्रोन सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं और रीसेट ऑल। रीसेट में क्या होता है कि पार्टिकुलर जो लास्ट में अभी हम चेंजेस किए रहेंगे वो हमारा रीसेट होता है, और रीसेट ऑल पे करने पे हमारा टोटली यहाँ पर रीसेट होता है, ठीक है। तो अब देख लिए पोज अपसेट को, यहाँ से देख लिए ये हमारा पोज अपसेट है, डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद अगले ऑप्शन में चलते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन में आने पे आपको यहाँ पे कोलिशन शेप मिलता है। कोलिशन मीन्स टकराव होता है, यानी टकराव हो अगर हमारे कोई भी कैरेक्टर के बॉडी के पार्ट्स को आप यहाँ पे दे सकते हैं टकराव वाले ऑप्शन पे। जैसे मान लीजिए कोई गेट है, दरवाजा लगा है, और आप अपने कैरेक्टर को पास कर रहे हैं उस दरवाजे से, ठीक है। तो अगर वो दरवाजा को हम कोलिशन शेप उसका ऑन कर देंगे तो जो हमारा कैरेक्टर है वहाँ पर जाकर रुक जाता है, यानी टकरा जाता है। अगर ऑफ कर देंगे तो दरवाजे को पार करके चला जाता है। तो उसी तरह बॉडी के पार्ट्स के हम कोलिशन शेप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो अभी हम कैप्सूल सिलेक्ट किए हैं, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर रेड इंडिकेटर भी आपको मिलेगा, यहाँ पे रेड हाइलाइटर कलर भी देख सकते हैं। ये टोटली हमारे जो फेस है यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। अभी हमारा फेस यहाँ पे सिलेक्टेड है, सेम उसी तरह किसी भी बॉडी पार्ट्स को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा टोटली कोलिशन शेप यहाँ पे शो होगा, टकराव। तो इस तरह से हम पोजीशन शेप को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, यहाँ से ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे चेस्ट को सिलेक्ट किए हैं तो ये हमारे चेस्ट के यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में यहाँ पे वायर फ्रेम में ये हमारा शो हो रहा है रेड कलर में।
यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह माइनस भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे एक्टिव सिलेक्टेड पार्ट्स और यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जितने यहाँ पे टोटली सिलेक्ट करेंगे फाइल्स को, टोटली हमारा कोलिशन शेप यहाँ पे ऑन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया गया है, रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऑलरेडी आपके पास कोलिशन सेप है तो ये हमारा इन्हीं फाइल सपोर्ट करता है, आप यहाँ से लोड कर सकते हैं, डायरेक्ट कोलिशन फाइल को यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। ये टोटली फाइल्स, ये टोटली जो टूल्स है, आप यहाँ पे अवतार वाले सेशन में देख ले। अब हम कैरेक्टर क्रिएटर की देखते हैं। फ्रेंड्स, कैरेक्टर क्रिएटर एक कैरेक्टर डेवलपर सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही आसानी से आप 3D कैरेक्टर को डिजाइन कर सकते हैं। तो इस कैरेक्टर को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट एंड कैरेक्टर क्रिएटर क्लिक करेंगे। ये जो कैरेक्टर है हमारा, कैरेक्टर क्रिएटर 3 में ओपन होता है, यानी आपके सिस्टम में जो भी कैरेक्टर क्रिएटर इंस्टॉल होगा उसमें हमारा टोटली खुल जाता है और वहाँ से आप इसको टोटली एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सेम वही हमारा ऑप्शन आता है 3D एक्सचेंज का, आप यहाँ पे 3D एक्सचेंज में भी इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा 3D एक्सचेंज है जो कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फाइल में। ये एक्सचेंज का ऑप्शन आता है, जो भी 3D फाइल है आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं SVX जो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से या फिर FBX में, iProc में आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। ये हमारा ओपन होता है कैरेक्टर क्रिएटर में और ये हमारा 3D एक्सचेंज में हमारा ओपन होता है। उसके बाद अगले ऑप्शन में आते हैं, ये हमारा ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैन्युअली भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम 100 कर देते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पे चला जाता है, और आप शॉर्टकट की मदद W प्रेस करेंगे तो ये भी हमारा ट्रांसफॉर्म होता है। ये देखिए, ये हमारा मूव होता है। तो डायरेक्ट वैल्यू को, इनपुट को भी दे सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे माउस को भी आप दे सकते हैं। डिफरेंट ये होता है कि अगर वैल्यू के को देखकर हम मूव कराते हैं तो एग्जैक्टली सेम जगह पे हमारा, जहाँ पे हम चाहते हैं वहाँ पे मूव होता है, और यहाँ पे माउस की मदद से भी आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये दो, यहाँ पे 3 डायरेक्शन में हमारा मूव होता है, X, Y और यहाँ पे Z। उसके बाद सेम वही रोटेशन का दिया है, जो कि आप शॉर्टकट की मदद E से भी प्रेस कर सकते हैं और आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेशन में X, Y, Z है, ये देखिए, ये डायरेक्ट हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं X को, और यह हमारा Y है, YZ दोनों रोटेट हो रहा है, और ये हमारा यहाँ पे XYZ यहाँ एक साथ यहाँ पे रोटेट हो रहा है, यानी 3D ऑर्बिट में हमारा टोटली यहाँ पे रोटेट हो रहा है। अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, रीसेट टू 0 लेआउट दिया गया है, इसको आप रीसेट कर सकते हैं कैरेक्टर की करेंट पोजीशन पे, यहाँ पे इसको रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लिंकेज दी गई है। लिंकेज क्या होता है कि एक दूसरे से लिंक करते हैं, जो कि हमारे लिंकिंग और अटैचिंग का वीडियो है वो आप देख सकते हैं। लिंकिंग और अटैचिंग में ये चीज़ बताए हैं कि लिंकेज क्या होता है, अटैचिंग क्या होता है। तो यहाँ से पिक पैरेंट करके, जैसे इस ऑब्जेक्ट से हमको इसको लिंक करना है, इस पर क्लिक किया तो ये हमारा इससे लिंक हो गया। अब जैसे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको हम मूव कराएंगे तो साथ में हमारा कैरेक्टर भी मूव होगा, ये हमारा इससे अटैच हो गया, लिंक हो गया है, ठीक है। ये देखिए, इसको रोटेट करेंगे तो ये भी हमारा रोटेट होगा, इस तरह से हमारा यहाँ पे लिंक हो गया है, ठीक है। अब हम कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, ये हम कैरेक्टर को सिलेक्ट किए, अब इसको रोटेट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा कि रोटेट होगा सेम, लेकिन इसके साथ जो लिंकिंग हुआ है, इसका पिक पैरेंट है, ठीक है, ये हमारा पैरेंट है, ये हमारा चिल्ड हुआ, तो ये हमारा रोटेट होगा तो ये हमारा रोटेट नहीं होगा। जब तक पैरेंट रोटेट नहीं होगा, हमारा चिल्ड वाले ऑप्शन रोटेट नहीं होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अभी विंडो एक शो करा लेते हैं आपको, सीन मैनेजर का, सीन मैनेजर में देख सकते हैं, ये हमारा टोटली जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये हमारा इससे अटैच हो गया है बॉक्स से, ठीक है। अगर बॉक्स को यहाँ पे मूव करेंगे तो ये हमारा ये भी मूव होगा। तो चलिए हम अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, अगले ऑप्शन में आते हैं। तो अगले ऑप्शन में आने के बाद आपको पहले इसको हम ये अनलिंक कर लेते हैं, यहाँ से अनलिंक कर लेंगे ताकि ये हमारा फ्री हो जाए, करेक्टर यहाँ से फ्री हो गया। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है लुक एट, ठीक है। लुक एट में क्या होगा कि हम कैमरे सेटिंग करते हैं और कैमरे की तरफ इसको लुक करते हैं। चलिए इसको देखते हैं, अभी हमारा प्रीव्यू का कैमरा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम इसको क्या करेंगे, पिक पैरेंट, ठीक है, यहाँ से पिक पैरेंट सेम वही चीज़ है जो कि अभी बताएं, पिक पैरेंट करके इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अभी ऑब्जेक्ट हमारा पीछे है, ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर क्लिक कर दिए। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा मूव करके देखते हैं,
इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इसको मूव करके देखते हैं। ये देखिए कैरेक्टर जो है हमारा टोटली ऑब्जेक्ट की तरफ ही देखेगा। ये होता है लुक एट ऑप्शन। ठीक है, जहाँ जहाँ कैरेक्टर को ले जाएंगे वहाँ वहाँ ये हमारा टोटली चीज़ यहाँ पे देखेगी। चलिए हम कैरेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। वापस कैरेक्टर सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे सेट फ्री कर देते हैं, ये हमारा टोटली फ्री हो जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप मूव कराएं, कहीं भी मूव कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा टोटली फ्री हो गया है। अब फ्रेंड्स अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगले ऑप्शन में हमारा है लुक एट कैमरा, यानी कैमरे की तरफ ये देखेगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा कैमरा है। तो जिस तरफ से हम कैमरा करेंगे, अभी प्रीव्यू कैमरा जो है कैमरा है, तो प्रीव्यू का कैमरा जिस तरफ से करेंगे ये हमारा टोटल, जैसे अप में करते हैं ये देखिए अप में हो रहा है, इसको डाउन करते हैं ये देखिए डाउन में हो रहा है, इसको लेफ्ट राइट, यहाँ से लेफ्ट और राइट करते हैं तो हमारा टोटल लेफ्ट राइट हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा लुक एट वेट है, आई है और हेड है। ठीक है, तो आई और हेड को यहाँ पे देख सकते हैं, हेड के साथ होगा या फिर आई होगा, जैसे आई पे क्लिक करते हैं तो अभी आप देखिए इसका आई केवल यहाँ पे मूव हो रहा है। ध्यान से आप देखेंगे तो ये हमारा टोटली आई भी है यहाँ पे हम मूव हो रहा है। अगर आई के साथ हमारा हेड भी होगा तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मिडिल होगा, ये देखिए अगर हम आई के साथ क्या करेंगे हेड को करेंगे तो लुक एट कैमरा यहाँ पे सेट किए हैं तो ये हमारा आई के साथ हेड भी हमारा टोटली यहाँ पे हो रहा है। इसको सेट फ्री कर देते हैं। अब अगले ऑप्शन के चलते हैं। स्मूथ मेस का ऑप्शन दिया गया है, स्मूथ मेस आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो इसको आप सब डिवीजन और टेस्लेशन का ऑप्शन दे सकते हैं, जिसमें आपको लेवल ऑफ रियल टाइम प्रीव्यू और लेवल ऑफ फाइनल रेंडर आपको दिया गया है। ये जो रेंडरिंग का जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि सब डिविजन्स क्या होते हैं और इसमें क्या होता है ट्रांसलेशन क्या होता है। ठीक है, ये देखिए इसको जैसे ही वैल्यू इसको कम करेंगे तो इसके स्मूथनेस हमारी थोड़ी कम हो जाती है रियल टाइम प्रीव्यू की। ठीक है, ये देखिए इसको बढ़ाएं अभी, तो इसकी जो स्मूथनेस है आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो रियल टाइम और प्रीव्यू में भी आप यहाँ पे लेबल दे सकते हैं सब डिविजन्स का, और यहाँ पे ट्रांसलेशन का भी आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे लेवल दिया गया है रियल टाइम का और प्रीव्यू का, जो अभी आप कैरेक्टर को जो एनिमेशन करेंगे या फिर क्रिएशन करेंगे तो रियल टाइम में आप दे सकते हैं, इसकी जो लेवल है वो आप सेट कर सकते हैं। और फाइनल रेंडर में आपको कितनी देनी है स्मूथ मेस आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी हम ट्रांसलेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक किए हैं तो ये हमारा थोड़ा प्रोसेस कर रहा है, तो ये हमारा ट्रांसलेशन का जो है हमारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इस टाइप से आप स्मूथ मेस को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए स्मूथ मेस का ऑप्शन भी यहाँ पे डायरेक्ट शो होगा। उसके बाद अगले ऑप्शन में चले तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलेगी। डिस्प्ले अभी हम जो वीडियो आपको पीछे बताए होंगे कैरेक्टर क्रिएटर में वो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, फिर भी एक बार आपको बता देते हैं। तो आपको यहाँ पे विजुअल दिया गया है। ठीक है, आप डायरेक्ट कैरेक्टर को यहाँ से हाइड और शो कर सकते हैं विजुअल और ऑन विजुअल। उसके बाद रेंडर स्टेट दिया गया है, रियल टाइम में जो रेंडरिंग है उसकी स्टेट दी गई है। तो पहली हमारी है जो नॉर्मल है, दूसरा स्मूथ है, ये कैरेक्टर टोटली स्मूथ फॉर्म में यहाँ पे रेंडर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे वायर फ्रेम दिया गया है, टोटली वायर फ्रेम में है। उसके बाद अगले ऑप्शन में आते हैं तो हमारा बॉन्डिंग का दिया गया है, कैरेक्टर की जो बॉन्डिंग होती है यहाँ पे दी गई है रेंडर स्टेट। उसके बाद ये हमारा एक्सरे दिया गया है, एक्सरे फॉर्म में ये हमारा रेंडर स्टेट दिया गया है। तो यहाँ से नॉर्मल कर लेते हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया। उसके बाद इसकी शैडो की क्वालिटी दी गई है, तो शैडो में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ऑल शैडो है, कास्ट ओनली, केवल कास्ट ओनली का यहाँ पे शैडो होगा। उसके बाद यहाँ पे रिसीव ओनली, जो भी आप शैडो को रिसीव करेंगे यहाँ पे शो होगा। और अगले ऑप्शन की बात करें तो अगले ऑप्शन में नो शैडो, कोई भी इसकी शैडो नहीं होगी, ऑल शैडो पे रहने देते हैं ताकि जो कैरेक्टर का है शैडो यहाँ पे दिखाई दे। तो ये टोटली डिस्प्ले की ऑप्शन रही। अगले ऑप्शन की बात करें तो अगले ऑप्शन में आपको पाथ मिलती है। फ्रेंड्स ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम पाथ की वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको यहाँ पे क्रिएट क्लियर कर देंगे। आपको यहाँ पे क्रिएट पाथ दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ से पाथ क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से पिक करके, चलिए इसको देख ही लेते हैं, यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं पाथ को, यहाँ से हम क्रिएट यहाँ पे कर लिए। ठीक है, यहाँ से हम पाथ को यहाँ से क्रिएट कर लिए। अब इस कैरेक्टर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं
और यहाँ से पिक पाथ करेंगे, जो भी पाथ बनाएंगे उसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए इस वाले पाथ पे आ गया। अब इस पाथ पे हमारा इस पे एनिमेशन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पाथ की वीडियो हम एक डिटेल्स बना रहे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंग का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें हमारा ऑन है, यहाँ पे ऑफ है, ठीक है। ये हमारा जो ऑप्शन है ये टोटली स्पाइन का ऑप्शन दिया गया है और रिबिस ट्विस्ट का दिया गया है, जिसमें आप मास्ट स्ट्रेंथ और यहाँ पे बाउंसनेस को आप सेटिंग कर सकते हैं। तो आप स्प्रिंग को ऑन करेंगे और यहाँ से मॉस यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे पाथ को, यहाँ पे रिलीज कर देते हैं और यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे स्पाइन है, यहाँ पे ट्विस्ट है, ठीक है। यहाँ पे ट्विस्ट और यहाँ पे स्पाइन ऑप्शन दिया गया है, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्पाइनिंग स्प्रिंग यहाँ पे दे सकते हैं। यानी स्प्रिंग मीन्स क्या होता है कि तनाव या फिर खिंचाव बोल सकते हैं। तो आपको ट्विस्टिंग कितना देना है, रिप्स का ट्विस्टिंग है जो कि लेफ्ट और यहाँ पे राइट है। तो यहाँ पे RLG6 की जो भी कैरेक्टर है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगी रिप्स ट्विस्ट दिया गया है लेफ्ट के लिए और राइट का है। और सीसी बेस के भी आप जितने भी कैरेक्टर होंगे उस पर ये हमारा वर्क करेगा। तो अभी जो हमारा कैरेक्टर है सीसी प्लस बेस का है, ठीक है, सीसी प्लस बेस का है, इस पर ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है। और RL6 की जो भी कैरेक्टर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर भी हमारा ये ऑप्शन हमारा शो होता है। तो ये हमारा ऑफ है। तो फ्रेंड्स ये हमारी टोटली कैरेक्टर की जो मॉडिफाई है, मॉडिफाई के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स को हम समझें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद होगी। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, कैरेक्टर की जो एनिमेशन है उसके बारे में हम सीखेंगे कि कैरेक्टर की हम एनिमेशन कैसे करते हैं। तो जैसे अभी हम आपको क्लियर किया कि जो मॉडिफाई का पैनल है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हमारा टोटली चेंज हो जाता है। जैसे अभी हम इसको सिलेक्ट किए तो बॉक्स से रिलेटेड ही हमारा टोटली यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। ये देखिए बेसिक चीज़ें हमारी वही रहती है, थोड़ा एडवांस एक दो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे प्रोप्स आ गया, अगर यही हम करेक्टर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अवतार आ जाएगा और कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो मॉडिफाई का जो पैनल है ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमारी चेंज होती रहती है। तो अगली वीडियो में क्या करेंगे कि अगली वीडियो में हम सीखेंगे एनिमेशन के बारे में, करेक्टर की एनिमेशन कैसे करेंगे। एनिमेशन में आपको बॉडी का मिलेगा, जिसमें बॉडी से रिलेटेड कर सकते हैं, फेसियल का है तो आपको वॉइस कैसे देना है इसको हम बारे में हम यहाँ पे देखेंगे वाले हैं। तो मोशन में भी आपको अलग अलग टैब्स मिलेंगे, तो मोशन में टोटली हमारा अलग से दिया गया है और उसको पार्टिकुलर पार्ट वाइज बना दिया गया है ताकि इसको आसानी से समझ सके। फ्रेंड्स आपको डिवाइस मोकैप का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जो कि अगर आपके पास डिवाइस मोकैप होगा जो कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एनिमेशन को। तो उम्मीद है दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और फ्रेंड्स अगर आप कोई भी रिक्वायरमेंट हो किसी भी वीडियो के ऊपर आइक्लोन में या फिर कैरेक्टर क्रिएटर में या फिर 3D एक्सचेंज में, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसकी सोल्यूशन ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।